फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मॉड लुक बुटीक। फ्रेंड्स, अज की मेरी यह वीडियो अम्बरेला मशीन दे विच, अम्बरेला सिलाई मशीन दे विच धागा किवें पाईदा है इस बारे दे विच है। खासकर यह जिहड़ी वीडियो है बिगिनर्स दे लई है, जिन्होंने नवी नवी अम्बरेला मशीन लई है उन्होंने दिक्कत आती है धागा पाउण दे विच। ठीक है जी, उस तो पहला फ्रेंड्स, जिन्होंने हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सबसक्राइब कर दो, ते नाल वैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली नैक्सट वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिल सके। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर अज की वीडियो। फ्रेंड्स, अम्बरेला मशीन का यह जो रील होल्डर है वह इस तरह का होंदा है। ठीक है जी, सब तो पहला जी आप रील हैगी पानी है, देखो इस तो बाद आप जो तीन छेद वाला हैगा आ रील पाने धागा पाने आपों किसी भी एक छेद के धागा कढ़ लेना है। उस तो बाद बारी आती है टेंशन की। ठीक है जी, फिर आप धागा नीचे लिया के इस सीक तो पिछे इस टेंशन के धागा पाना है। जड़ी सिंपल मशीन होंगी है सिलाई मशीन ओदी ए वाली टेंशन ए इधर मोहरे होंगी है लगी हुई। ठीक है जी, अम्बरेला मशीन की अगे होंगी है इतने। ठीक है जी, इस तरह धागा पा के तो फिर इस गल का ध्यान रखना है कि जड़ा ए वाला हैगा आ तार हैगी है छोटी जी, ये साडा जिहड़ा धागा है ये इस तरह आना चाहिए। ठीक है जी, इस तो बाद इस धागे नूं भी इस तरह ये पिछे करके फिर आप धागा जिहड़ा है इत्थे पाना है। ठीक है जी, इत्थे तक साडा धागा पै गया। हुण आप इस तो बाद एक पिन इत्थे आ इहदे विचों धागा इस तरह घुमा के लियाना है। ठीक है जी, पै गया तो हूँ पाना है आप सूई दे विच। देखो साडा जिहड़ा यह धागा है उपरों की यह पै चुकिया है। ठीक है जी, हूँ वारी है बॉबिन की। फ्रेंड्स, यदि बॉबिन यह है ये सिंपल मशीन की बॉबिन नालों थोड़ी जी छोटी होंगी है चौड़ाई दे विच। ठीक है जी, तो यह है बॉबिन केस, ये मुताबिक फिर ये भी थोड़ा जहा चौड़ाई दे विच छोटा हुंदा है। ठीक है जी, धागा असी इहदे विच तां सेम बॉबिन अपनी ओदे ही पानी है जिदा असी सिंपल मशीन की बॉबिन पाई दी है। ठीक है जी, इस तरह पा के फिर आप कट जिहड़ा हुंदा है इहदे विचों धागे नूं लै के आना है तो फिर इस तरह इहदे विचों कढ़ लेना है। ठीक है जी, फिर धागा खिंच के देखो इस तरह थोड़ा आराम नाल धागा निकलना चाहिए, बॉबिन थोड़ी बॉबिन केस च आराम नाल घूमनी चाहिए है। ठीक है जी, उस तो बाद हुण आपां इहनूं नीचे फिट करदे आं। फ्रेंड्स, तुहानूं मैं इत्थे पाए तो तुहानूं पता नहीं लगेगा, मैं तुहानूं मशीन उपर चक के बॉबिन केस पा के दिखानी है। ठीक है जी, नॉर्मल जिहड़ी सिंपल मशीन है उहदा असीं इस तरह पाईदा है, जिहड़ी ए वाली इह है बॉबिन केस है आपां इहदा जिहड़ा ए वाली पत्ती हैगी आ इहनूं आपां इस तरह रखना है अपने वल नूं खुल्हदा रखना है। ठीक है जी, इहनूं फड़ के आपां इस तरह पानी है यह। ठीक है जी, ये देखो टक दी आवाज़ आई है, इहदा मतलब साडी जिहड़ी बॉबिन केस है वह बिच आराम सही ढंग दे नाल बैठ गया है। जब तक टक दी आवाज़ नहीं आती तद तक जिहड़ा बॉबिन केस है वह बिच फिट नहीं हुंदा। ठीक है जी, हुण देखो ये देखो मैं तुहानूं दोबारा पा के दसदी हां, ये देखो इस तरह आप फड़ लेना इनू। ठीक है, बॉबिन केस नू ते इस तरह लगा के विच इस तरह दबा देना है। ठीक है जी, टक दी आवाज़ आई है तो यह मतलब साडा जिहड़ा बॉबिन केस है वह विच फिट हो चुकिया है। ठीक है जी, हुण आपां सिंपल मशीन की तरह ही इस तरह घुमा के जिदा असी नीचे वाला धागा उपर लियाईदा है आ धागा फड़ के इस तरह घुमा के मशीन नू, देखो नीचे वाला धागा जिहड़ा उपर आ गया है। हुण जिहड़ी साडी सिलाई है मशीन है ये सिलाई करन दे लई रेडी है, मैं सिलाई लगा के दसदी हाँ। हुण आपां सिलाई लगा के देखते हैं। ठीक है जी, ये देखो फ्रेंड्स मेरी जिहड़ी सिलाई है ये दोनों पासों वधिया लग रही है। ठीक है जी, इसका मतलब फिर हुण आपां अपनी सूट ते सिलाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जे तुहानूं मेरी ये वीडियो वधिया लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करियो ते मेरी वीडियो नूं अगे शेयर जरूर करियो। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलांगे मेरी नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक दे लई बाय बाय।